सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सहना आसान नहीं है, लेकिन तुम कर सकती हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये प्रताप कहाँ रह गया? कहीं ये भी सुधा की तरह उसे बेऔलाद ना छोड़ जाए। मुझे सही नहीं हो रहा दीदी, मुझे मुझे कोई दवा दे दो, मुक्ति दे दो। चल हट, मुक्ति चाहिए थारे को? मुक्ति चाहिए तुझे? अरे मुक्ति तो मारे को चाहिए तेरे से, पर एक बात याद कर, जाने से पहले मेरा पोता मेरे हाथ में देकर जा। अरे अपने माँ बाप का कर्ज उतार के जा। अरे कुछ तो काम आ उनके, या सिर्फ उनके छाती पे मूंग दलने के लिए पैदा हो गई थी। अरे कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैंने अपने बेटे के साथ तेरा ब्याह करवाया? अरे एक सूख ना दे सकी तू उसे, एक सूख ना दे सकी। क्या करिए आप इसकी हालत देखिए, इसमें खून की कमी है, मैंने आपको बताया था। महारानी ने खूब घी बादाम डकारे हैं, पत्नी है हमारी, इसका फर्ज बनता है हमें संतान का सुख दे। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। दूसरी बीवी भी तेरे को बेऔलाद छोड़कर चली गई रे। कोई नहीं माई, इसके मरने से तारे बेटे की जवानी घट नहीं रही से, गांव में चोरियों की कमी से। इस बार ऐसी लुगाई लाऊंगा कि पिछली दोनों लुगाइयों का हिसाब बराबर कर देगी। चल छोड़ इस गरम जली ने। भारती राजस्थान के रामपाली गांव में अपने गरीब मां बाप की इकलौती बेटी थी। सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे दुगने उम्र के आदमी प्रताप से कर ली। ये जानते हुए कि प्रताप की पहली स्वर्गवासी की बीवी की शादी कम उम्र में हुई थी और बच्चा पैदा करने के वक्त शारीरिक कमजोरी के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन यहां एक आम बात। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट की आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे समाज के कई क्षेत्रों में भारतीय जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो बाल विवाह का शिकार हो रही है। अपने माँ बाप का कर्ज उतारने के लिए उन्हें न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। भारती ने भी अपने पति और सास की यातनाएं झेली और इस दुनिया से अलविदा कह ली। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि प्रताप और उसके परिवार को उसकी मौत का दुख नहीं था, उन्हें दुख सिर्फ इस बात का था कि प्रताप की दूसरी बीवी भी उन्हें वारिस नहीं दे पाई। और इसी वारिस की चाह में प्रताप ने फिर से शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। लाख बिछा दो बंदी से, लेकिन आसमान में जगह बना लूंगी मैं, किसी से कम नहीं।
करके सबको दिखा दूंगी। जो हालातों से हारे ऐसी नहीं लाचारी हूँ, जो हालातों से हारे ऐसी नहीं लाचारी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे कि मैं एक नारी हूँ। अब समय है विजेता का नाम घोषित करने का। तो इस कंपटीशन की विनर है मोहिनी। अब मैं अपने चीफ गेस्ट मिस्टर प्रताप सिंह को स्टेज पर बुलाने की अनुमति चाहूंगा। वो यहाँ आए और मोहिनी को अवार्ड देकर सम्मानित करें। सर, बहुत मोहक नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। अरे छोरी, तारे को भैया जी ने अवार्ड दिया है। बोलना। और क्या बोला उन्होंने? अरे बोल। ज्यादा बोलता है ना तो जूती से मार मार कर मुंह सजा देती मैं उसका। ज्यादा अकड़ के मत रहकर, लड़की है लड़की की तरह रहे। जानती नहीं है कौन है वो? हत्यारा है वो, हत्यारा। जिसने पहले मेरे दोस्त से शादी की और फिर उसकी हत्या कर दी। चुप। अरे छोरी, अरे धीरे बोल, धीरे। पता तेरे को आवाज सारी बाहर जा रही है। अरे किसने सुन लिया ना तो हमारा तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये बात थारी समझ में क्यों ना आ रही है? अरे इस लड़की का बस चले ना तो हम सबको गांव से बाहर निकाल दे। अरे कितनी बार समझाया है, प्रथा है बाल विवाह इस गांव की। अरे भारती कमजोर थी, नहीं झेल पाई, उसमें भैया जी को क्यों दोष देना? अरे ये सोचो कितने ठाट से जी कर गई जीते जी। अरे भैया जी ने सारे कर्जा भी माफ कर दिया उसके गरीब माँ बाप का। माँ, एक लड़की को क्या सिर्फ इसलिए पैदा किया जाता है कि एक दिन वो अपने माँ बाप का कर्जा चुका सके? और फिर उन बाकी लड़कियों का क्या, जिनकी लेबर पेन में मौत हुई हो? क्या वो सब भी भारती की तरह कमजोर थी? अरे बस कर अपनी भाषणबाजी बंद कर, समझ में आता है हमको? ज्यादा पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया तेरा, चल जा अंदर। अरे को समझाएगी, दिमाग खराब हो गया इस छोरी का। अरे पता नहीं कब अक्कल आएगी इस छोरी को। जाने क्या खाकर जड़ा था इस फूल लंदेबी को। चीयर्स। क्या बात है भैया जी, आज तो मेरे ट्रिप पे हो रखे हैं। लगता है कोई नए ठेके का टेंडर आ गया है आपके पास। अरे टेंडर गया तेल लेने, आज तो तेरे भैया जी की लॉटरी लगी है। लॉटरी भोलेनाथ की कसम, जरा छुआ था, करंट दौड़ गया ऊपर से नीचे तक। हमने कितने बागों के फूल तोड़े हैं, पर कसम से ऐसी कली नहीं देखी। अरे फिर तो बड़ा लकी डे था आपके लिए। अरे हमसे लकी तो वो ट्रॉफी थी जिसे उसने इतने करीब रखा था। काश हम भी ट्रॉफी होते। के बात है भैया जी, के बात है। आज तो बड़े आशिकों जैसी बात हो रही है। फिर किया कि नहीं? वो क्या कहते हैं? प्रपोज। प्रपोज। अरे बावड़े, प्रपोज तो बच्चे करें। अपना तो यही उसूल है, जो फूल अच्छा लगे उसे तोड़कर अपने पास रख लो हक से।
ध्यान नहीं गया हमारा, कुछ मदद कर दूं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब थारे प्रिंसिपल ने बुलाया था, कुछ फंडिंग वंडिंग की जरूरत थी, मारे को बुला दिया, प्रताप सिंह को। आ गए हम, मारे को अब चलना चाहिए, मुलाकात तो अब हो ही गई। चलो छोरियों अपना काम करो, चलो 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 काम लगो, काम करो, चलो। दीदी आपको पता है मुझे आज इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स मिले? क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान लग रहे हो? अरे अब धूप में कहीं आइसक्रीम की तरह पिघल न जाना। टप टप टप, आइए आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। क्यों, आपने ठेका ले रखा है क्या पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का? अजी आप कहें तो ये ठेका भी ले लेंगे। Only for you. अरे इतनी देर से धूप में सड़ रहे हम थारे वास्ते, और आप हमारी दोस्ती की कोई कदर ही ना है, हा? अरे कोई गलती हो गई क्या हमारे से? अरे दैया, अरे दैया, कहीं आप वो दुपट्टे वाली बात को लेकर तो? गलती आपसे नहीं, आपकी माँ से हुई है, जो खुद एक औरत होकर आपको ये ना समझा पाई कि दूसरी औरत की इज्जत कैसे करते हैं। खैर, जिससे आप दोस्ती कह रहे हैं ना, तो चितोरापन कहते हैं, जो आपके एज के अंकल का सूट नहीं करता। ये चोरी के तो बहुत पर निकले हुए हैं भैया जी। निकलने दे बल्लू, तितली के पर ही उसका आकर्षण होवे हैं। इब बहुत जल्दी यो पर मारी मुट्ठी मा होवेंगे। ये ले, अब बता थारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ, वो स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट्स थे वो लेने आया था, और अब 10 दिन के बाद एग्जाम भी है, बस 10 दिन बाद चला जाऊंगा। अरे प्रताप आ, तेरे छोटे भाई के साथ बैठकर नाश्ता कर ले। अरे माँ, उस छोरी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, थारे को नाश्ते की पड़ी है। अरे कहाँ हुआ हा? इस छोरी की इतनी हिम्मत बढ़ गई जो थारे सामने अपना मुंह खोल गई? अरे वो है ना, वो कुमार और लता की बड़ी छोरी मोहिनी, मारे को कहती अंकल स्कूल में क्या कर रहे हो, उसको तो मैंने छोड़ना नहीं है। तो सही तो करा उसने, उसके अंदर उस लड़की की नहीं आपकी गलती है, और उस छोरी ने जो भी कहा ना एकदम सही कहा। चुप कर, अरे पढ़ाई लिखाई तेरे दिमाग में चढ़ गई है, अपने बड़े भाई के साथ इस तरह से बात कर रहा है? माँ आप उन सबके रिस्पॉन्सिबल, और आपने भाई को सर पर चढ़ा रखा है, आपने इनको शह दे रखी है, पहले सुधा भाभी फिर भारती भाभी जिनको गए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, और अभी नई लड़की, आप लोग समझते क्यों नहीं ये सब गलत बात है? क्या गलत है इसमें, हरी बाबा की और मेरी शादी ना हुई थी हा? और ये कौन सा गलत काम करने जा रहा है, ये उस छोरी को भगा कर तो नहीं ले जा रहा है ना, शादी करना चाहता है उससे? माँ ये शादी ना होती, इसको बाल विवाह कहते हैं, जो सरकार और कानून की नजर में अपराध है। और बाबा और आपका जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। और आप ये लड़कियों की जिंदगी तक खेलना बंद कर दो, ये बहुत गलत बात है, इसने पाप कहते हैं पाप। ये पाप और पुण्य ना तू अपने पास ही रख, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? पर प्रताप वो चिंता ना कर, अरे इस उम्र में इस छोरियां नखरे करते ही रहती है, मैं कल ही उसके माँ बाप से जाके मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, इस छोरी पे ना सिर्फ थारा ही हक है। तू ही मारे दिल की बात जाने है। कितनी अजीब बात है कि गोविंद और प्रताप दोनों सगे भाई, लेकिन दोनों की सोच में इतना अंतर, ये अंतर लाती है शिक्षा,
जो हमें सही और गलत का फर्क करने की समझ देती है। एक लड़का होकर भी गोविंद एक लड़की की व्यथा को समझने की क्षमता रखता था, पर क्या होगा मोहिनी के माता पिता का फैसला? क्या मोहिनी जैसी सासी लड़की को बाल विवाह के बंधन में बांध दिया जाएगा? प्रिंसिपल सर ने कहा है कि इस साल मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी और फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली चली जाऊंगी और फिर एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करूंगी। फिर तो आप पूरी दुनिया घूम लोगे दीदी। चिंता मत कर, तुझे भी घुमाऊंगी। लो, मोहिनी भी आ गई। प्रताप, भारतीय छोरी के सामने फिक्की से ये तो कैटरीना की बहन लगे से। अपने तो भाग्य खुल गए बेटा। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है भैया जी उनकी माँ को लेके हमारे घर तेरा रिश्ता लेकर आए हैं। देख देख कितना सारा सामान लेके आए हैं। अरे ऊपर से एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब लगाने की भी बात कर रहे हैं। बारे न्यारे हो गए हमारे तो। आओ बेटा, अपनी होने वाली सास के पहुंच वो। अरे पागल हो गई है क्या? मेहमानों के सामने इस तरीके से पेश आते हैं? ये संस्कार दिए थे क्या हमने? आप लोगों को शर्म नहीं आती? पहले मेरे दोस्त की जान ली और मुझे खरीदने चले आए? ये क्या बोल रही है मोहिनी, ये कोई खरीदने नहीं। आप तो रहने ही दो माँ। आपके हिसाब से एक लड़की की शादी उससे दुगने उम्र के आदमी से करना मतलब प्रथा है। और कल को मैं भी भारती की तरह मर गई तो वो मेरा नसीब है ना? नाना छोरी, थारी गलती हो रही है। सही गलत का ज्ञान है मुझे, आपको नहीं है इसलिए बता रही हूँ। सेक्शन 6 के तहत बाल विवाह कानून अपराध है। इससे माता पिता और किसी भी जबरदस्ती करने वाले को कम से कम 2 साल की जेल हो सकती है। और मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता अच्छे से पता है। बहन जी, आजकल के बच्चों को कहां समझ है कि रीति रिवाज क्या होते हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अरे मैं और मेरी धर्मपत्नी हम उसको अच्छे से समझा देंगे। मान जाएगी बेटी, बच्ची है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे। अरे बहन जी, आपकी छोरी तो बड़ी तेज है, मगर मेरे प्रताप को वो पसंद है। एक बार शादी हो जाए ना तो बस मैं उसे संभाल लूं। अब बस आप ये समझिए कि अब ये आप ही की अमानत है। पहले ही कहा था कोई पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है, अब देख लिया नतीजा, अपने ही सर पर भारी पड़ रही है। पर हाँ तो मैं करवा कर ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सदियों से हमारे समाज में लड़कियों को लेकर ऐसी कुप्रथाएं चली आ रही। पैसे के बदले लड़की देना या फिर दहेज, जैसे लड़की कोई इंसान नहीं कोई वस्तु है। और सबसे बड़ा दोष है उन माँ बाप का जिन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया। उनका फर्ज है कि उस बच्ची को शिक्षित करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए, लेकिन वो बनाते हैं उसे कमजोर। लेकिन मोहिनी कमजोर नहीं थी,
वो जानती थी ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो साहस के साथ लड़ रही थी। बोलिए। क्या हुआ लता, कौन है? जी नमस्ते, मैं मोहिनी की क्लास टीचर हूँ। जी कहिए। जी कुछ काम था? नहीं, वो मोहिनी और लक्ष्मी कुछ दिन से स्कूल नहीं आए, तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ, सब चीज ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए मोहिनी तो अभी नानी के घर गई है और लक्ष्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसे मिल नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप उसको बोल देना कि मैं आई थी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोहिनी जी अंदर है, आइए मैं लेके चलती हूँ आपको। लक्ष्मी, आज मैं नहीं रुकूंगी माँ, लाइए चाबी। चलिए टीचर। लक्ष्मी अब क्या करेंगे? काम करते हैं, भैया जी को फोन लगाता हूं। मोहिनी, ये क्या हुआ? बेटा मोहिनी उठो। वाली क्या? हाँ रुको रुको, बेटा तू यहाँ टेक लगा के बैठ, रुको। ले बेटा पानी पी, लो पानी पियो आराम से। किसने किया ये सब? दीदी ने भैया जी से शादी करने मना किया तो उन्होंने उन्हें बहुत पीटा और 5 दिन तक उन्हें कुछ खाने नहीं दिया। यकीन नहीं आता कि खुद के माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। बट तू चिंता मत कर मोहिनी, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके उनकी कंप्लेंट दर्ज कराती हूँ। जब पुलिस कानूनी जुबान में समझाएगी ना, तब उन बेअक्लों को अकलाएगी। अरे मैडम जी, हाय, बड़े दिन हुए आपके दर्शनों, दिल खुश हो गया। आपकी खुशबू हमें यहाँ खींच लाई, राब है कि हमारी तरफ दिखती नहीं। मैडम जी सच कहे ना, अगर आप हमें पहले मिल जाती तो आप किसे शादी कर लेते? ना पति नहीं है आपका,
पति की कमी तो गलती होगी। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती। तुमसे पुलिस ही बात करेगी और किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। मैडम जी, एक और मासूम की रपट लिखानी पड़ेगी आपको। यो लक्ष्य। लक्ष्य उठाते समय जो चूजा हकला रहा था तो नाम समझ में नहीं आया। लक्ष्य जाइए जाइए, रपट लिखाइए। पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं पति के साथ साथ अपने चूजे को भी रखो बैठो। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। मुझे कोई रिपट नहीं लिखानी। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे माफ कर दो मोहिनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। वे बल्लू, मैडम जी तो घनी समझदार से। एक काम कर, मैडम जी को और इसके चूजे को घर छोड़ा। जाइए मैडम जी, जाइए। आए, तद के जावा। ये बस टच की आदत डाल ले, शादी के बाद सुहाग रात हुए है उसमें बहुत कुछ हुए है, मर्जी से या जबरदस्ती से। बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया, जल्दी चलिए, ठेके पे कुछ पंगा हो गया। रे बावड़ी हो गई तेरी छोरी, समझा इसने, जिब के फिर गई ना काट दूंगा। चल मेरे साथ, तेरी बिना मरम्मत करनी पड़ेगी, इसका रंग उतारना पड़ेगा तुझ पर से। चल मेरे साथ। अब आप मुंह क्या देख रहे हो, दरवाजा बंद करो जल्दी। ये ले खाना खा। खाओ बेटा। जब तक दीदी खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाएगी, चुपचाप खाओ। आप बहुत गर्मी चढ़ी है ना तेरी लौंडिया को, आज निकालता हूं इसकी गर्मी। गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। मैं कौन होती आपको रोकने वाली, आप ही की तो अमानत है, आपका पूरा हक है उस पर। लेकिन वो क्या है ना, अभी शादी नहीं हुई है ना, तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना, क्यों है ना। और भैया जी, अब मेरा हक। माँ ये क्या कर रहे हो आप, दीदी को पैसे के लिए बेच रही हो, रोको भैया जी को। अरे ये पैसे तुम दोनों के ही तो काम आने वाले हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों के ही तो काम आएंगे। मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये गलत है। अच्छा छुड़ाओ दीदी को, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, लगता है इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा, तुझे भी तेरी दीदी की तरह अंतर बंद करना पड़ेगा। चल जुबान चलाती है बाप के सामने, अब तेरे होश ठिकाने आएंगे। चांदर बाबा खोलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे मत बढ़ना। मैं कह रही हूँ आगे मत बैठना।
आज तक तेरी सारी बातें माफ की, पर आज तूने मुझ पे थूका है। आज तेरी अकड़ उतार के रहूंगा। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो। कोई नहीं खोलेगा। उनका मुंह और कान पैसों से बंद कर दिए मैंने, अब कोई नहीं सुनेगा तेरी। आप दूर है या? मेरे पास दूर हूँ। निकल यहाँ से, मैं तो मार दूंगी। तेरे पर आ गई है क्या? फेंक उसे। जबरदस्ती करेगा? हिम्मत अब आ गया? तीर दूंगी। ये क्या हुआ भैया जी? बहुत नाटक हो गया। तुम्हारा और तुम्हारी लौंडी का शादी के लिए मनाओ उसे, वरना जितना दिया है ना उससे दुगना वसूलूंगा। हड्डियां अलग तोड़वाऊंगा, जिंदगी नरक बना दूंगा सबकी। नहीं भैया जी। भैया जी नहीं। हट लालची औरत। अरे भैया जी, मोहिनी क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे पगला गई हो क्या? अरे माँ बाप है हम तुम्हारे। देख बेटा, मैं समझ सकती हूँ ये सब आसान नहीं है, पर इसमें तेरी ही भलाई है। लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं, तो मैं उनका अपमान कैसे कर सकती हूँ? देख मोहिनी, मैं ये बात अच्छे से समझ ले। अरे नसीबों से मिलता है ऐसा रिश्ता। और जरा सोचो, इसमें तुम्हारी बहन की जिंदगी भी संवर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और तुम समझने की कोशिश करो। हाँ बाबा, हम अपना नसीब खुद लिखते हैं। उम्र कम है मेरी, पर मुझे समझ है अच्छे बुरे की। और फिर जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, उससे शादी करने से अच्छा आप मेरी जान ले लीजिए। अच्छा तेरी जान ले ले, तेरी यही छवि मैं पूरी कर देता हूँ। जाओ। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? अरे मैं संभालूंगी, अब जाओ यहाँ से। अरे छोड़ो मेरा हाथ, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और अरे क्या छोड़, जाओ यहाँ से, मैं सब संभालूंगी। संभालो इसको, जाओ यहाँ से। ऐसे क्या देख रही है? माँ हूं मैं तेरी, मुझे ये समझ में आ गया अब तुझे शादी नहीं करनी है। अब तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई नहीं। माँ, ये ले बेटा खीर, अपनी दीदी को खिला दे, बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया ना, जा खिला दे। रोका क्यों तुमने मुझे? एक बार छुटकारा मिल जाता तो अच्छा होता, ये रोज रोज ही किटकिट से मुक्ति मिल जाती, साथ में तुम्हारी भी छुट्टी हो जाती, पुलिस जो पकड़ के ले जाती तुम्हें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम ही बताओ कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी करेगा ये जहर करेगा जो मैंने मोहिनी के खीर में मिला दिया है। बस एक बार मोहिनी से छुटकारा मिल जाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लान तो बहुत अच्छा लगा,
लेकिन हम प्रताप से क्या कहेंगे? कर्जा तो हमें तब भी चुकाना ही पड़ेगा ना। अरे आप चिंता मत करो, कोई कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा। अरे हम लक्ष्मी को चुहागे कर देंगे, बस एक बार मोहिनी से पीछा छूटे, बाकी तो सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अब तक खाना खा लिया होगा और मार भी गई होगी वो। चलो देखते हैं। अरे मोहिनी कहाँ गई लक्ष्मी? देखो ना माँ, मैं दीदी को खीर खिलाने आई तो दीदी कटोरी फेंक कर भाग गई। अरे आप है ना भैया जी को फोन लगाइए, पर उन्हें कुछ बताना मत। पता चला कि गुंडे लेके सीधा हमें ही ठिकाने लगाने आ गए। तुम ठीक कह रही हो। हेलो हेलो भैया जी, भैया जी, ये मोहिनी ऐसे भाग कैसे गई? मुझे तो लगा था कि ये मेरे झांसे में फंस गई है। लक्ष्मी खीर दिए माने मेरे लिए। दीदी माने इसमें जहर मिला आपको मारने के लिए। मतलब वो प्यार सब नाटक था, सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने ये सब किया। ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले। अब तक उन्होंने ये सब मेरा नसीब समझा था, अब मैं उन्हें अपना नसीब बदल कर दिखाऊंगी। क्या करोगे दीदी आप? माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल वाले लक्षण है उस छोरी के। प्रताप हारी तो आग बच गई, बस मारे को नहीं चाहिए ये डाकन जैसी बहू। अरे कल को क्या पता मारे को ही वो आग लगा दे। आग तो मैं लगाऊंगा इसकी जिंदगी में। घर की चुत्ती बना के नहीं रखा ना, तुम्हारा नाम भी प्रताप सिंह नहीं। हाँ जल्दी आ जाओ प्रताप जी, जल्दी आ जाओ। अब के कर दिया थारी निराली छोरी ने? भाग गई। हाँ? घर से भाग गई। आ रहा हूं मैं। क्या हुआ प्रताप? पता नहीं, जाके देखता हूँ। अरे छोड़ ना उस छोरी को, मैं तेरे लिए एक अच्छी घरेलू लड़की ले आऊंगी। माई मारे को अब यो ही छोरी चाहिए और आज के आज ही लेकर आऊंगा। अरे प्रताप, अरे रुक जा, मैं भी आती हूँ। चोट आई और बावला बन के घूम रहा है उसके पीछे। रुक रुक। इतने भर की छोरी नहीं संभाल सको तुम दोनों। अब क्या कर सकते हैं भैया जी, पर आप चिंता ना करो, आपकी शादी जरूर होगी। लक्ष्मी से? हाँ भैया जी, लक्ष्मी से।
अरे मोहिनी से कहीं ज्यादा सुंदर है भैया जी। अरे बल्कि मैं तो कहूंगा मोहिनी से कहीं ज्यादा समझदार है। अरे गाय है गाय, आपको कोई परेशानी नहीं होगी भैया जी। प्रताप, ये छोरी तो भारती से भी कम उम्र की है। अरे यही तो उम्र है ढलने की, और आपके रंग में ढल जाएगी तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया जी। ये मोहिनी दीदी का प्लान था। आप क्या करने वाले हो दीदी? मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, और ये लोग सबसे पहले भैया जी को फोन करेंगे। तब तक मैं पुलिस लेकर यहाँ आ जाऊंगी, और फिर हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर सबसे पहले तुम पड़ोस वाली आंटी के पास जाकर शुभा मैम को कॉल करो, और उन्हें बताना कि मैं काली मंदिर के पास मिलूंगी। गोविंद, तू? शुभा मैडम को पहले से जानता हूँ, और जैसे ही लक्ष्मी ने उन्हें इन्फॉर्म किया, शुभा मैम ने मुझे कॉल किया, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। मैं चाहूं ना था, पर आप दोनों को रोकने का बस यही एक तरीका था। गोविंद, भैया जी बाकी घर में हवालात में दिखाना, अभी हमें तो सेवा करने का मौका दो। चलो, अरे हमने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे कुछ नहीं किया मैंने भाई। और इस तरह मोहिनी ने साहस दिखाते हुए अपनी ये लड़ाई लड़ी भी और जीत भी हासिल की। बाल विवाह के विरुद्ध इस लड़ाई में गोविंद और शुभा ने भी उसका साथ दिया, और भारतीय सुधा को भी इंसाफ दिलाया। मोहिनी ने प्रताप पर मोलेस्टेशन और चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अपनी छोटी बहन की परवाह करते हुए उसने अपने माता पिता के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया, और पुलिस ने भी उन्हें सख्त वार्निंग दे के छोड़ दिया। दोस्तों, एक बात हम सबको समझनी होगी कि बाल विवाह एक अपराध है। जरूरत है हर लड़के और उसके माँ बाप के साथ साथ हम भी इस बात को समझें और उसके खिलाफ लड़े। जब आप अपनी बेटियों की इज्जत करोगे तभी ये समाज उनकी इज्जत करेगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।